मुख्यमंत्री न्यास संग्रह अस्पताल सहित रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में ये करीब 80 करोड़ के उद्घाटन पर शिलान्यास। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, मामा अगली बार कुछ और सौगातें लेकर आएगा। गत वर्ष प्रस्तावित उपमंडल मुख्यालय संगड़ा का दौरा न होने से पूरी नहीं हो सकी क्षेत्रवासियों की उम्मीदें। 7.5 करोड़ से तैयार हुए संगड़ा अस्पताल भवन में बेहतर सुविधाओं तथा डॉक्टर निवास के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ की राशि को भी मिल चुकी है स्वीकृति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा गुरुवार को रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र अथवा उपमंडल संगड़ा से संबंधित करीब 80 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर शिलान्यास किए गए। 3 दिन तक चले जिला स्तरीय महा भंगाणी मेला हरिपुर धार के समापन समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम द्वारा 1.5 दर्जन के करीब शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों को लगाकर स्थानीय भाजपा नेताओं की मांग के मुताबिक कई नई घोषणाएं भी की गई। इस दौरान सीएम द्वारा करीब 2 दशक से बहुचर्चित नौराधार चूड़धार मार्ग का शिलान्यास भी किया गया और अधिशासी अभियंता संग्रह द्वारा इस सड़क के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। सीएम द्वारा जनता को समर्पित किए गए 7.5 करोड़ की लागत से बने वर्ष 2011 से लंबित संगड़ा अस्पताल भवन के लिए विभाग के अनुसार कुल 9.76 करोड़ का बजट स्वीकृत हो चुका है और शेष 2.25 करोड़ से यहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाए जाने के अलावा डॉक्टर्स अथवा एमओ रेजिडेंस का निर्माण भी करवाया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 मार्च से पहले हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान सूबे के कुछ कांग्रेस नेता ऐसे उछल रहे थे जैसे उनके सीट में स्प्रिंग लगे हों। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को नतीजे आने तथा 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद से कुछ दिन शांत रहे उपनेता एक बार फिर इन दिनों 5 राज्यों में अपनी हार भूलकर हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के ख्वाब देखने लगे हैं। शिमला में एनपीएस कर्मचारियों के प्रदर्शन तथा मंडी में हुई आम आदमी पार्टी की रैली के बाद भाजपा विरोधियों द्वारा मामा से संबोधित किए जाने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि मामा फिर आएगा तो सिरमौर के लिए जरूर कुछ नई सौगातें लाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा आज किए गए अधिकतर उद्घाटन व शिलान्यास हालांकि उपमंडल संगड़ा से संबंधित ही रहे, मगर इसके बावजूद गत वर्ष से उनका संगड़ा का प्रस्तावित दौरा तय न होने के चलते क्षेत्रवासियों की यहां साथ लगते शिलाई उपमंडल की तरह बदहाल शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों में सुधार तथा अन्य विकास योजनाओं की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। संगड़ा में विद्युत विभाग के मंडलीय कार्यालय तथा सिविल कोर्ट जैसी मुख्यमंत्री की घोषणाएं व लंबित मांगों को लेकर भी अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई और सीएम बनने के बाद अब तक केवल जयराम ठाकुर एक बार 18 नवंबर 2019 को यहां मिनी सचिवालय के उद्घाटन के लिए ही पहुंचे हैं। इससे पहले गत 13 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा हालांकि क्षेत्र में करीब 162 करोड़ के उद्घाटन पर शिलान्यास किए गए, मगर उस दौरान भी सीएम नौराधार से रेणुका जी के लिए संगड़ा होकर सड़क मार्ग की बजाय उड़न खटोले से ही रवाना हुए और पहले की प्रदेश सरकारों के कार्यकाल में सीएम के प्रवास के दौरान चकाचक होने वाली क्षेत्र की सड़कें बदहाल होने को लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक गत नवंबर माह में मुख्यमंत्री पर तंज कस चुके हैं। सीएम के इस दौरे अथवा वर्चुअल उद्घाटन को लेकर हालांकि अब तक स्थानीय कांग्रेस एमएलए का बयान आना बाकी है, मगर इससे पहले वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर क्षेत्र से विकास में भेदभाव के आरोप लगा चुके हैं। कहना चाहता हूं, एक स्कूल जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जार त्राबिल जो मिडिल स्कूल है, इस मिडिल स्कूल को मैं हाई स्कूल करने की घोषणा करता हूं। और ये आप लोगों के बीच में यहां पर एक बात आई थी और भी जहां कही है उसकी हम डिटेल लेंगे, जहां जहां नॉर्म के मुताबिक संभव हो पाएगा उस पर भी विचार करेंगे। और उसके अलावा एक जो है वो मिडिल स्कूल सेल इसको भी हाई स्कूल करने की मांग यहां पर रखी गई है, इसको भी मैं हाई स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं।